अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। व्यूअर्स आज हमारी 13वीं सहरी बन रही है। देखिए अम्मी इधर रोटी बना रही है और साथ में चाय भी बन रही है। ये देखिए रोटी बन रही है व्यूअर्स। यहाँ पर पहले से एक रोटी रखी हुई है, ये एक बन गई है। देखिए गाइस, देखिए कितनी फूल रही है, कितनी मजे की लग रही है। अरे किसको भूख लगी है ज्यादा? मुझे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आप सबके? उम्मीद है कि आप सब खैरियत के साथ होंगे। जी आज मैंने सोचा कि सहरी की रूटीन आपके साथ शेयर करूं कि हम लोग क्या खाते हैं। सादी सी सादा सा खाना होता है हमारा, तारी का भी और सहरी का भी। और जी आज सहरी खुश्क रोटी, सीसा भी खुश रोटी खाते हैं, मैं भी खुश्क खाती हूँ, बच्चे पराठा। लेकिन साथ भी आज बोला था मामा मेरे लिए चपाती बनाना, तो खुश्क रोटी तो आज उसके लिए भी ये बन रही है। तो तीनों के लिए एक एक, एक मेरी है, एक नसीर साहब की और एक साथ साहब की साथ। ये देखिए अभी ये तीन रोटी बन गई है। अभी ये पराठा बनाऊंगी साथ के लिए। मैं थोड़ा सा ऐसे करती हूँ ना, फिर ये जो होती है ना ये चीज़ें, ये सही बनती है। रोटी बनाते मुझे अपनी मम्मी की याद आ गई। अल्लाह ताला उनके दिन तल को दोस्त में अल्लाह काम था। फिर मुझे माए को हर टाइम हर वक्त याद आती है। अल्लाह ताला उनके लिए जन्नत में अल्लाह ताला खास मुकाम अदा करे। मैंने कभी सहरी नहीं बनाई थी ना, कभी इफ्तारी नहीं बनाई थी शादी से पहले ना। शादी के बाद भी कोई नहीं, मेरी हालत सास है उन्होंने माशाल्लाह वही बनाती थी। अल्लाह ताला उनको भी जन्नत फिरोज में आला मकाम अता फरमाए। अल्लाह ताला उनके एक जीवन आसान करे। तो अम्मी बना बनो के हम लोग को उठाते थे ना। अम्मी अम्मी ने बोला थोड़ा टाइम लग गया, अबू बोलते उठो उठो बच्चे, उठो बेटा, उठो बेटा। तो अभी सारा कुछ खुद ही करना पड़ता है और बच्चे जो है तो ये आजकल सोते नहीं है। हम लोगों की आंखें नहीं खुलती थी, ये आजकल बच्चे सोते नहीं है। तो साथ ही माँ बाप को उठाया होता है। माशाल्लाह रोजे ऐसे जा रहे हैं, आजकल 13वां रोजा हो गया है। अल्लाह ताला हमें रोजे की बरकतें मिलने का मौका दिया। अल्लाह ताला ने शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह ताला ने इस दफ़ा मुझे मुकम्मल से जब किया और मैं रोज़े रख रही हूँ। पिछली दफ़ा तो मैं रोज़े नहीं रख सकती। तो अल्लाह का बड़ा करम है, अल्लाह की बड़ी रहमत है। और मौसम भी बहरीन था माशाल्लाह, आजकल बड़ा अच्छा जा रहा है। कभी थोड़ी सी सर्दी, थोड़ी गर्मी, गर्मी तो खास अच्छी नहीं है, परेशान करना पड़ता है, लेकिन थोड़ा पीछे कर देता है। मौसम अच्छा है, अच्छा मौसम बड़ी अच्छा हो गया। ये देखिए गाइस पराठा भी बन गया है। थोड़ा सा रह गया, नहीं तो बस कड़क बनाना। चलो जी माशाल्लाह हमारी सेहत तैयार हो गया। रात का सालन बड़ा था, सारा नालू गोश्त का था, शायद थोड़ा सा बड़ा हुआ था तो वही मैंने गर्म किया साथ। और इसके बाद बबू खा रहे हैं। मैंने अपने साथ अपने लिए अंडा बनाया और फहद को अचार पसंद है, तो वो सुबह अचार के साथ ही पराठा खाता है। उसको पराठा पसंद है और अचार के साथ खाता है। और मुझे आजकल मैंने क्या किया हुआ है कि मैं वो सा अंडा बनाती हूँ फ्रेश टाइप का लेती हूँ सादा सा, और खुश्क रोटी साथ में, और थोड़ा सा कभी चार ले लेती हूँ। अभी मैंने थोड़ा सा चार भी साथ में लिया था, बड़ा मज़ा आता है ना। तो ये सादा सी रूटीन होती है हमारी सहरी की, ज़्यादा नहीं ये
अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का बड़ा करम है कि मैं मोदी बना सारा कुछ बना रही हूँ, अल्लाह ने इतनी हिम्मत दे दी है। लेकिन हाँ दिन को वैसे हिम्मत नहीं रहती, सारा दिन ऐसे ही हो जाता है, ना रोज़ा भी रखा होता है। सबसे पहले मैंने फिर पानी का आधा ग्लास पिया और उसके बाद मैंने फिर सहरी करना मैंने स्टार्ट किया। सहरी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। फिर साथ में बोला मम्मा मैं चाय भी ले आऊँ, तो मैंने बोला हाँ चाय ले आओ। व्यूअर्स देखिए चाय भी आ गई है, ये मम्मी का कप है, ये अब्बू का कप है और ये मम्मी रोटी खा रही है। मम्मी को ये बड़ा पसंद है शहरी में अड्डा, साथ में रोटी, साथ में थोड़ा सा अचार। क्यों मम्मी ये देखिए गर्मा गर्म चाय। जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, हमारी सहरी कम्प्लीट हुई और अभी रात अफ्तारी का टाइम हो गया। अफ्तारी अब मेरा अहमद बोला था कि मामा जलेबियाँ चाहिए, तो बाबा इसके बच्चों को ट्यूशन छोड़ने गए थे दिन को, तो वापस में जलेबियाँ लेके जलेबियाँ लेके आए, तो वो गरम गरम थी और वो उसने पैक करके दी, तो सारे साथ में जुड़ गई थी। मैंने फिर शाम को इसके साथ फ्रूट चाट थोड़ा बना लिया, थोड़ा समझ नहीं आ रही थी अभी मैं क्या बनाऊँ शाम को, तो मैंने चिकन निकाला, उसमें मैंने थोड़ा सा नमक मिर्च और हल्दी डाल के रख दिया, थोड़ा सा ग्रीन चटनी बनाई थी मैंने वो वाली, साथ में डाली धनिया पुदीना की और इमली डाल के, तो वो मैंने थोड़ी सी डाली। तो उसके बाद मैंने ऑयल आधा दो टेबल स्पून मैंने ऑयल डाल के चूल्हे पे रखा, जब वो दम में स्टीम हो गया तो फिर मैंने एक पैकेट क्रीम डाली उसमें, और वो क्रीमी सा टेक्सचर हो गया था, तो बच्चों को बहुत पसंद आया था। बोल रहे थे मम्मा ये आज आपने कौन सा बनाया है चिकन, तो मैंने बोला आप टेस्ट करोगे तो फिर पता चलेगा। तो अभी रोज़े का टाइम है तो रोज़ा खोलते हैं तो फिर टेस्ट करके बताएंगे, लेकिन वीडियो में नहीं बताएंगे क्योंकि आपको पता है रोज़ा खोलते हुए फिर बच्चों का अपना हो जाता है। तो ऐसे मैं आपको दिखा रही हूँ, लुक बहुत मज़े की थी और खाने में बेहद लजीज था। दुआ में ज़रूर याद रखिएगा, जो लोग दूसरों को अपनी दुआ में शामिल रखते हैं उसे उनकी दुआ पर दस्तक देती है। और आप मुझे बताइएगा कि आपकी सहरी और अफ्तारी की रूटीन कैसी है। अल्लाह ताला आपके खानों में हमारे खानों में रिज़्क में इजाफ़त आप फरमाए, अल्लाह ताला आपका बरकत आपके दस्तरखान इसी तरह सजते रहे और हमारे भी इंशाल्लाह ज़िंदगी रही। तो फिर मुलाकात होगी नहीं सोचने वाला वो न्यायालय के साथ, ये खजूरियाँ ऐसी मैंने पड़ी रहती है टेबल के ऊपर ही ना, रोज़ाना जब ख़त्म होती है फिर मैं धो के डाल देती हूँ। और जलेबियों का तो वैसे मैं अभी वॉइसओवर कर रही थी, वीडियो मैंने अपलोड कर की थी लेकिन जेब में नहीं जाता, तो आज मैं वीडियो अपलोड कर रही हूँ, वॉइस ओवर कर रही थी तो मेरे मुँह में फिर पानी आ गया। माशाल्लाह मज़े के लग रहे हैं ना। चलिए मैंने थोड़ी सी फ्रूट चाट भी सब बनाई थी और हम लोग अभी रोज़ा अफ्तार करते हैं और सबके लिए दुआ करते हैं अल्लाह ताला सबके लिए सनी पैदा करे, सबके लिए नेक बनाए और फिर कुछ तक बनाए। अल्लाह हाफिज़ पाकिस्तान जिंदा।